हाथ उठा दो। हाँ जी है लक्ष्मी नारायण। हाँ जी तुम्हें चौरासी जन्म लेते हैं, एक मिनट कम जाती नहीं होता, तो क्या बाबा लक्ष्मी नारायण की आत्मा परम धाम में नहीं जाती है? परम धाम में नहीं जाती है? आपकी आत्मा परम धाम में जाती है कि नहीं? अभी एक दो सेकंड के लिए जाती है, तो उनकी क्यों नहीं जाती है? पहले पहले वो जाते हैं कि पहले पहले दूसरे जाते हैं? हैं? वो जाती जाते हैं, क्योंकि मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है। मन बुद्धि रूपी आत्मा अगर शरीर की याद भूल जाए तो शरीर के भानु को छोड़कर कहीं भी जा सकती है। जितना अच्छा अभ्यास होगा उतना जास्ती ऊंची स्टेज में जाएगी। अभ्यास नहीं होगा तो धरणी खींचती रहेगी। कन्याओं माताओं को धरणी कहा जाता है, धरणी भी नंबर वार है। कोई विदेशी धरणी है, कोई स्वदेशी धरणी है। परंतु उनके आकर्षण से परे होने की प्रैक्टिस करने वाली आत्माएं अलग अलग प्रकार की हैं। सब एक जैसा प्रभावित नहीं होती। तो लक्ष्मी नारायण वाली आत्मा परम धाम में क्यों नहीं जावेगी? हाँ, लक्ष्मी नारायण को कंबाइंड न कहो शरीर से, देवांग से कंबाइंड नहीं है, लेकिन आत्मिक स्थिति से कंबाइंड है, स्वभाव संस्कार से कंबाइंड है। इसलिए एक साथ सुखधाम और शांति धाम के गेट खुलते हैं, चाहे साकारी दुनिया में ही खुलेंगे। फाउंडेशन तो पड़ेगा ना। तो जो प्रैक्टिकल रूप पालना करने वाला है वो लक्ष्मी का रूप सुखधाम में होगा या शांति धाम में होगा? सुखधाम में होगा, यमुना के कंठे पर होगा। मन बुद्धि से लक्ष्मी की आत्मा भी शांति धाम में जाती है, और मन बुद्धि से नारायण की आत्मा भी शांति धाम में रहती है। लेकिन तन के आधार पर पालना का कार्य निमित्त रूप में लक्ष्मी को नई दुनिया में आरंभ करना है। माता घर संभालती है या बाहर संभालती है? तो माता घर संभालेगी, नई दुनिया रूपी मंदिर है ना, पवित्रता का मंदिर है, मंदिर माने घर, उसे वो संभालेगी। और बाप, बाप मन बुद्धि से परम धाम में रहते हुए भी सारी दुनिया का, सारे विश्व का संचालक है, विश्व पिता कहा जाता है। विश्व माता कही जाती है या विश्व पिता कहा जाता है? विश्व पिता कहा जाता है। वो मन बुद्धि से शांति धाम में रहते हुए भी सारे विश्व का संचालन करता है। तो ऐसे नहीं कि लक्ष्मी नारायण की आत्मा कैसे पहुंचेगी परम धाम में, जब ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली है।
हाँ, रुद्रमाला और विजयमाला होता है। रुद्रमाला में कहता है कि दो सूत्रों के धागे हैं, धागा होता है, सूत्र जो होता है वो दोनों में होते हैं सूत्र दो। रुद्रमाला में स्नेह का सूत्र खास है और पावनपुर सूत्र है। ज्ञान का सूत्र तो ना के बराबर है और रुद्रमाला में ऐसे नहीं है कि प्योरिटी है ही नहीं, क्योंकि सारी दुनिया का बीज कहाँ है, कौन सी माला में है। रुद्रमाला में अगर प्योरिटी का बीज नहीं होगा तो विजयमाला में कहाँ से आ जाएगा, बीज तो चाहिए। इसलिए भक्ति मार्ग में दिखाया है कि शिव की तीन मूर्तियों में जो सहयोगिनी शक्तियां दिखाई गई हैं, उन सहयोगिनी तीनों शक्तियों में, चाहे लक्ष्मी हो, चाहे सरस्वती हो, चाहे पार्वती हो, तीनों में ही उतनी प्योरिटी नहीं है जितनी प्योरिटी स्त्री में है और उनकी सहयोगिनी शक्ति में है। वो त्रिमूर्ति है, स्त्री है और वो अत्री है। अत्री की पत्नी को अनुसूया कहा गया है, अन असूया, असूया माने ईर्ष्या देश, जिसमें कोई आत्मा के प्रति ईर्ष्या देश नहीं है। जबकि लक्ष्मी में, पार्वती में, सरस्वती में आपस में ही एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या देश रहता है, अंश मात्र ही सही, थोड़े समय के लिए ही सही, लेकिन रहता तो है ना। इसलिए ऐसे नहीं कह सकते कि रुद्रमाला में प्योरिटी नहीं है कोई मणके में। जरूर कोई ऐसा मणका है जो प्योरिटी का बीज है, क्योंकि रुद्रमाला की भी परवरिश तो होती है, पालना होती है या नहीं होती है, होती है। और माँ के बगैर पालना होगी क्या, बाप पालना करेगा, माँ ही पालना कर सकती है। भले प्रैक्टिकल में रूप में जगत पिता के साथ जगदम्बा नहीं है, घूंघट में है, लेकिन ऐसे नहीं है कि जगत पिता अकेला है। भक्ति मार्ग में भी दिखाते हैं कि जब सती शरीर छोड़ देती है तो शंकर जी अकेले ही रहते हैं, क्या अंदर से कि शक्ति सदैव साथ में है। इसलिए अर्धनारीश्वर का रूप दिखाया गया है। वो रुद्र भी है और रुद्र के रूप में रुद्रमाला भी है, और जब रुद्र मणका है राइटियस के रूप में, तो रुद्रमाला में राइटियस मणकों के बीच कोई राइटियस मणका भी है। ऐसे नहीं कि जगदम्बा ही रुद्रमाला का आखिरी मणका है, वो ही है साथी के रूप में, नहीं।
आठ देवताएं हैं, उन आठ देवताओं में जो चक्र दिखाया जाता है उसमें उत्तर और पूर्व दिशा से सूर्योदय दिखाते हैं, उसको कहते हैं ईशान कोण। तो ईशान कोण में लैसिस के रूप में वो क्षीर संगिनी नहीं दिखाई जाती है, राइटियस रूप में दिखाई जाती है उत्तर दिशा की ओर। जगदम्बा का स्थान रुद्रमाला में लेफ्ट में है या राइट में है? लेफ्ट में है, क्योंकि जगत माता है, वो जगत पिता है। लेकिन अष्टदेवों में से एक मन का ऐसा है जो भाई के रूप में है, आत्मा आत्मा भाई भाई। अगर स्त्री चोला भी है तो ज्यादा से ज्यादा क्या कहेंगे? भाई बहन कहेंगे। स्त्री पुरुष का रूप नहीं है, लेकिन ये तो ड्रामा में जो बेहद का ड्रामा है उस ड्रामा में ये पार्टधारी पार्ट बजाते हैं। जैसे कोई लौकिक परिवार में बाप और बेटा है, ड्रामाबाजी करने जाते हैं तो पति पत्नी का पार्ट बजाते हैं। तो क्या पति पत्नी हो जाते हैं? नहीं हो जाते। ऐसे ही ये थोड़े समय के लिए नई दुनिया का फाउंडेशन डालने के लिए ये बीज डाले जाते हैं। ये रुद्रमाला बीज है, इसमें हर धर्म का बीज है, सूर्यवंशी के भी बीज है, इस्लाम बौद्ध क्रिश्चियन वंश के भी बीज है। हर धर्म के पूर्वज रुद्रमाला में है, तो सूर्यवंशी के भी बीज इधर ही है। बीज नहीं होगा तो सूर्यवंशी भी नहीं होगा। और तीन मूर्ति में तीनों मूर्तियां एक दूसरे से श्रेष्ठ मध्यम और निष्कर्ष दिखाई जाती हैं, या समान स्टेज है उनकी? अरे चित्र में ही दे दिया ना, तीन पुरियां दिखाई गई है। तीन पुरियों में तीनों का समान स्थान है या ऊपर नीचे स्थान है? ऊपर नीचे स्थान है। उसमें कैटेगरीज है त्रिमूर्ति में, ये आठों ही अष्टदेव सूर्यवंशी है, एक ही परिवार है, दूसरा वंश नहीं है। वो तो चंद्रवंश अलग है और सूर्य का पार्ट बजाने वाला त्रिनेत्री तीसरा नेत्र सूर्य नेत्र जिसे सदाशिव कहते हैं वो अलग है। उसकी तुलना तीसरी मूर्ति से कैसे कर सकते हैं? कहां रचना और कहां रचयिता, कहां बाप और कहां बच्चा? हाँ,
बाप का प्यार बच्चे के साथ होता है। घर में अगर आग लगती है तो जो सच्चा बाप होता है वो पहले बच्चे को बचाएगा या खुद भाग जाएगा? बच्चे को बचाएगा। ये बुद्धि में जन्म जन्मांतर के संबंध की पहचान होनी चाहिए। इस सत्य रूपी रंगमंच पर कौन सी आत्मा मेरे जन्म जन्मांतर का साथी है? भल भड़काने वाले भड़काते हैं। रावण सीता को गिरफ्त में ले लेता है, बरगला लेता है, तो क्या सीता के अंतस को बदल देता है? हैं? नहीं बदल पाता। ऐसे ही ये राम कृष्ण की आत्माएं हैं। कृष्ण वाली आत्मा ऐसा बच्चा बुद्धि है जो कोई भी धर्म के बच्चों के बरगलावे में आ जाता है। दूर हो जाता है, लेकिन जिम्मेवारी किसकी है? रचयिता बाप की है या औरों की है? बाप की है। इसलिए बोला है वाणी में कि तुम बच्चे बाप दादा को दूर दूर करेंगे, अलग अलग करेंगे, और वो फिर मिल करके एक हो जाएंगे। एक ही 5000 वर्ष के ड्रामा के चक्र में ये आवृत्ति बार बार चलती है। इसलिए ऐसे नहीं कहेंगे कि त्रिमूर्ति ऊंची है या अष्टदेव ऊंचे हैं। ये तो कैटेगरीज हैं तीन, सारी मनुष्य सृष्टि की तीन कैटेगरीज हैं जो झाड़ के चित्र में दिखाई गई है। एक कैटेगरी है जो तने के रूप में दिखाई गई है, नीचे से लेकर के ऊपर तक एक ही तना, कोई से प्रभावित नहीं होता, अपने धर्म में पक्का रहता है। त्रिमूर्ति में से कौन सा ग्रुप हो सकता है? वो प्रश्न जिसने किया वो ही बताए ना। है सूर्य रुद्रमाला का मणका, रुद्रमाला के मणके में तो हर धर्म के सूर्यवंशी ही हैं, जो द्वापर के आदि से लेकर के कलयुग के अंत तक विधवियों से टक्कर लेते रहते हैं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। घास की रोटियां भी अगर उन्हें खानी पड़ी और लंबे समय तक खानी पड़ी तो भी सर झुकाना उनको मंजूर नहीं है। अपने धर्म के पक्के हैं, जिनके लिए मुरली में बोला है तुम बच्चे हो आदि सनातन देवी देवता धर्म के पक्के, और धर्म में कन्वर्ट होकर के जा न सके। भक्ति मार्ग की गीता में भी बोला है स्वधर्मे न धनम से यह पर धर्मो भयावह। वो तो वो बाप के बच्चे हैं जो कल्प के अंत में सारी दुनिया को कन्वर्ट करके बदल देते हैं। वो फिर खुद कन्वर्ट होंगे क्या? वो कन्वर्शन कराने वाले हैं। द्वापर कलयुग में भी
भले दूसरे दूसरे धर्मों में जाकर के जन्म लेते हैं, जन्म लेना अलग बात और कन्वर्ट होना अलग बात, लेकिन किसी भी जन्म में दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने का पार्ट नहीं बजाते। उनमें संसार ही नहीं है कन्वर्ट होने के। तो जिनमें संसार ही नहीं है वो दाई ओर के धर्मों में या बाई ओर के धर्मों में कैसे कन्वर्ट होंगे? उसे कहते हैं अव्वल नंबर, अल्लाह आकर के अव्वल नंबर दीन, अव्वल नंबर धर्म की स्थापना करते हैं। अल्लाह अव्वल दीन की कहानी तो मुसलमानों में भी प्रसिद्ध है। अल्लाह ने क्या किया? अव्वल नंबर दीन अर्थात धर्म की स्थापना की। तो किस आधार पर अव्वल नंबर? यही आधार, यही पक्की प्रतिज्ञा कि एक बाप को मानेंगे, एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, दूसरे को अपना बाप नहीं स्वीकार करेंगे। ऐसे नहीं कि मौका पड़ गया, स्थिति परिस्थिति आई तो गधे को भी अपना बाप बना लिया। नहीं, दूसरे वो हैं जो कन्वर्ट तो होते हैं, प्रभाव में तो आते हैं, लेकिन स्वधर्म में कन्वर्ट होते हैं। क्या बुद्धि तिरकती तो है, लेकिन बुद्धि के तिरकने की सीमा है। क्या है सीमा? दाई ओर के धर्मों में कन्वर्ट होते हैं, विचार की ओर बुद्धि उनकी कन्वर्ट नहीं होती। बौद्ध धर्म में कन्वर्ट होते हैं, सन्यास धर्म में कन्वर्ट होते हैं, सिद्ध धर्म में कन्वर्ट होते हैं, फिर भी प्योरिटी को मान देते हैं। इन प्योरिटी को मान अपनी ओर से नहीं देते हैं। बाकी ये बात दूसरी है, बौद्ध धर्म वाले बौद्ध धर्म का धर्म पिता, बौद्ध धर्म के फॉलोअर्स उनकी रीति भीति कुछ ऐसी है कि वो अहिंसा की परिभाषा ही बदल देते हैं। वो अहिंसा समझते हैं कि अगर कोई हमारे बीवी बाल बच्चों के ऊपर हमला कर दे, अपहरण करके ले जाए, तो भी हम उनके ऊपर हिंसा नहीं करेंगे। बीवी बाल बच्चों के ऊपर कोई आक्रमण करे, अपहरण करे, तो उनका मुकाबला करना आत्मरक्षा है या हिंसा है? हैं? आत्मरक्षा है। जो आत्मरक्षा ही नहीं कर सकता वो हिंसा के चक्र से नहीं बच सकता। इसीलिए दुनिया में बौद्ध धर्म ज्यादा दिनों तक परमात्मा बाप की वर्षे की प्राप्ति को चला नहीं सका।
ए टाइम राजाई चलती है, बाकी उनकी राजाई नष्ट हो जाती है। आज भी दर दर भीख मांगते हैं कि राजाई चल रही है, है? आधीन हो जाते हैं, क्रिश्चियंस के अधीन हो गए, मुसलमानों के अधीन हो गए, इस्लामियों के अधीन हो गए। फिर जो बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हुए थे बेचारों, उनको भी अधीन होना पड़ता है। माला जो बनती है उसमें 12-12 के 9 ग्रुप बने हैं। जी, उसमें पाला जो है जो सुगंधी का ग्रुप है, है। और ये जो भी मंत्री है वो पावरफुल के साथ नीचे आ रहे हैं। मंत्री का मंत्री जो 8 नंबर है वो जगदम्बा की आत्मा है। मंत्री माता है जगदम्बा की आत्मा है। मंत्री की जो लास्ट ग्रुप बनती है आत्मा नंबर जगदम्बा का है। तो पावरफुल के हिसाब से मंत्री को जगदम्बा कंट्रोल नहीं करती। आदमी कंट्रोल किया था यदि के आज में सूर्यवंशियों को जगदम्बा ने कंट्रोल किया था, नहीं किया जो आज में नहीं तो हमें भी नहीं। सूर्यवंशियों के बाद अगला जो ग्रुप बनता है वो यज्ञ के आदि में देख लें। ज्ञान सूर्य राम और राम के फॉलोअर्स वाली आत्माएं चली गई तो यज्ञ का कंट्रोल किसके हाथ में आया, है? माता के हाथ में आया। 10 वर्ष से रहने वाला ध्यान में जाती थी, मम्मा बाबा को भी ड्रिल कराते थे, उनमें बाबा प्रवेश करते थे। माने 10 वर्ष से रहने वाला कोई पुरुष और ध्यान में जाती थी वो माता, और वो माता भी मम्मा बाबा को कंट्रोल करती थी। तो यज्ञ के आज में चंद्रमा ने ही कंट्रोल किया, चंद्रवंशियों ने ही कंट्रोल किया। लेकिन क्या होता है गड़बड़, कृष्ण गीता का भगवान बन जाता है, बस वहीं से गड़बड़ होता है। और तो 3 ग्रुप हो गए, एक दाई ओर कन्वर्ट होने वाला और तीसरा बाम मार्गी बाई ओर कन्वर्ट होने वाला। बाबा, एक बीज रूप आत्मा होती है और एक आधार रूप आत्मा होती है और एक धर्म आत्मा होती है। जो बीज रूप आत्मा है वो धर्मात्मा नहीं है, पापात्मा ही है हमेशा। बाबा, जो की आधार रूप आत्मा है इसमें प्रवेश करती है बीज रूप आत्मा, या बीज रूप में आधार रूप प्रवेश करती है? अरस परस है, द्वापर कलयुग में ऊपर से आने वाले जो सूक्ष्म बीज हैं वो प्रवेश कर जाते हैं आधार मूर्तों में। अभी उल्टा हो जाता है, अभी भगवान किसको मिला, ऊपर से आने वाली आत्माओं को या ऊपर से आने वाली आत्माएं जिनको कंट्रोल करती हैं उनको भगवान मिलता है? अरे माता के रूप में किसको मिला, आधार मूर्तों को मिला ना। तो आधार मूर्त पावरफुल हो गए, ऊपर से आने वालों को तो माता का रूप भी नहीं मिलता। बाबा, कहने का मतलब है कि जैसे कि बीज रूप आत्मा और आधार मूर्त आत्मा जो अभी आती है ज्ञान में, वो अभी जाके सत्ययुग में जन्म, अभी आती है, यज्ञ के आज में नहीं आई थी। हाँ, आधार मूर्त आत्माएं
जो जड़ के रूप में दिखाई गई है वो चाहे देवी देवता धर्म की आधार हो या इस्लाम धर्म की आधार हो, जैसे इब्राहिम जिसमें प्रवेश करता है वो किस धर्म की आधार हुई? इस्लाम धर्म की आधार। तो कोई भी धर्म की आधार मूर्त आत्माएं हो वो अधूरा नारायण और उनके फॉलोअर्स बनेंगे। नहीं समझ में आया? सत्युग में नारायण तो बनेंगे ज्यादा से ज्यादा ऊंचा पद पाके, लेकिन अधूरे नारायण बनेंगे, उनकी प्रजा भी अधूरी बनेगी, वो संपूर्ण नहीं बन सकते। कहां? यहां। इसलिए नवपुरी के ब्राह्मण गाए हुए हैं। नंबर हाँ, इसके अलावा जो बीज रूप आत्मा ऊपर से द्वापर युग में बची रहती है सर्व धाम में, बीज रूप आत्मा जो ऊपर से आके प्रवेश करती है आधार रूप में, वो बची रहती है ऊपर जाके बची रहती है। जैसे कि अभी ज्ञान में आती है जो बीज रूप आत्मा, वो अभी आधार रूप आत्मा और जाके प्रवेश जन्म लेती है सतयुग में, तो बीज रूप और आधार जो बीज रूप आत्मा है वो दो तरह की है। जैसे देवी देवता सनातन धर्म के बीज दो प्रकार के हो गए, एक तो प्रजापिता बीज है, फिर प्रजापिता में कौन प्रवेश करता है? हाँ, तो वो कैसा बीज है? निराकारी है या साकारी है? निराकारी बीज है। तो ऐसे ही द्वापर और कलयुग में जो आत्माएं डायरेक्ट ऊपर से उतरती हैं, वो आधार मूर्तों में प्रवेश करती हैं। जो बीज हैं संगम युग में, जिन्होंने डायरेक्ट बाप से लिया है, उनमें प्रवेश नहीं कर सकते। बाकी तो 33 करोड़ देवताएं सारे ही आधार मूर्त हैं। जो ऊपर से उतरने वाली सूक्ष्म बीज रूप आत्माओं को अपने अंदर स्थान दे देते हैं। ग्रुप सूर्यवंशी के बाद इस्लामी के बाद फिर क्रिश्चियन वाले आएंगे, उसके बाद फिर सूर्यवंशी के बाद चंद्रवंशी बीज रूप आत्माएं नहीं है क्या? माला में ही, रुद्रमाला में ही सूर्यवंशी के भी बीज हैं, तो चंद्रवंशी के भी बीज हैं। हाँ, 12 के ग्रुप सूर्यवंशियों के भी हैं, तो 12 के ग्रुप चंद्रवंशियों के भी हैं, इस्लाम वंशियों वगैरह के भी हैं। ठीक है, लास्ट में है, लेकिन है तो ऊपर है, तो निराकार के नजदीक है ना। भले कमजोर है लेकिन ईश्वर के नजदीक है या नहीं है? जैसे पहले नंबर का मणका ईश्वर के नजदीक है, वैसे ही लास्ट नंबर का मणका भी ईश्वर के नजदीक है। और क्या चाहिए? देरी में क्लास नहीं है, मतलब नए बच्चे भर्ती करके आए हैं। कितने? 8-10 बच्चे देरी में। बुला डेरी के पास, बुला डेरी नजफगढ़ के पास, नजफगढ़ के पास जो देरी है उसमें 10 निकले, तो 10 में से कोई भी युगल नहीं है? कोई बुजुर्ग माता है? हाँ, माता है। तो माता के घर में क्लास चालू कर दो। हाँ, जो मैच्योर्ड माता हो, थोड़ा ज्ञान में अच्छे से होशियार भी हो तो और अच्छा है। तो जब तक युगल ना निकले तब तक उन्हें के यहाँ क्लास करो, और मैं बाद में क्लास आंसर कर लेना। जो ब्रजदेश में रहने वाली श्रीमती अनुसार बनने की कोशिश करते हैं, क्या वो नई दुनिया की फाउंडेशन डाल दें?
लेकिन हम फाउंडेशन नहीं डाल सकते। जो घर गृहस्थ में गीता पाठशालाएं चला रहे हैं, वो गीता पाठशालाएं चलाने वाले, नई दुनिया का फाउंडेशन डालने वाले काशी नगरी के वासी नहीं बन सकते फाउंडर डालने वाले है? अरे जो काशी के वासी हैं वो ही तो जीते जी स्वर्ग में जावेंगे। जावेंगे या नहीं जावेंगे? जावेंगे। तो जो गीता पाठशाला चलाने वाले हैं वो फाउंडेशन डालने वाले नहीं बन सकते है? आज नहीं तो कल, लास्ट में आकर के भी फास्ट नहीं जा सकते। जा सकते? नेगेटिव नेगेटिव विचार क्यों आना चाहिए? हाँ तो उठा दो। हाँ संगम में भी लक्ष्मी नारायण जो भी एक बार पद पालेगा एक युग में, वो फिर अगले जन्मों में नीचे उतरता जाएगा। चाहे वो संगम भी लक्ष्मी नारायण हो, चाहे सतयुग के फर्स्ट लक्ष्मी नारायण हो, और चाहे सतयुग में बनने वाले मध्यम के लक्ष्मी नारायण हो, चाहे अंतिम गद्दियों के हो, जिसने एक युग में एक बार ऊंचे से ऊंचा पद पा लिया वो फिर अगले जन्मों में नीचे उतरता जाएगा। कोई कम नीचे उतरेगा, कोई जास्ती नीचे उतर जाएगा, ये हो सकता है। बाकी नीचे ना उतरे ये नहीं हो सकता। ऐसा सतयुग का कोई भी सूर्यवंशी देवता नहीं होगा जो त्रेता में जाके चंद्रवंशी न बने। बाबा जब ये एडवांस पार्टी की स्टार्टिंग होते राम बल्ले आत्मा युद्ध में प्रवेश करते तो संदेश देने की निमित्त छोटी मम्मी बनती है बाबा को संदेश देना अलग बात होती है। हाँ, और फोर्स भरना अलग बात होती है। काहे का संगठन? एडवांस पार्टी का संगठन तो 76 में ही बनता है। बाप प्रत्यक्ष नहीं होगा तो संगठन प्रत्यक्ष हो जाएगा। बाप जब प्रत्यक्ष हो तभी तो संगठन बने, और संगठन भी उनका ही बने जिनके बीच में प्रत्यक्ष हो। अभी भी जिनके बीच में प्रत्यक्ष हो रहा है वो ही संगठन में ऐड हो रहे हैं। जब मतलब बाबा के पास आते सरेंडर होती है उस समय से संगठन बनने की शुरुआत मतलब बड़ी तरह से हो रही है, तो मम्मा क्या थोड़ी बहुत भी निमित नहीं है? बड़ी मम्मी संगठन बनाने की थोड़ी बहुत भी निमित नहीं है? छोटी माँ? बड़ी माँ? बड़ी माँ थोड़ी बहुत क्यों? ये इतना ढेर सारा संगठन बैठा है, ये कहाँ से आ गया? तो फिर संगठन बनाती है फिर तोड़ती भी वही है, बिना की वही कर देती है। अगर थोड़ा बहुत तोड़ दिया तो माफ कर दो ना, चार छह टूट गए। अरे विजय विहार में से उनके कहने से चार छह टूट के चले गए तो माफ नहीं कर सकते? चार छह की जगह 10-20-50 रोज आ जाते। हाँ सतयुग में वहाँ पर जो है ये वस्त्र और कपड़े और मकान आदि का प्राप्त है, क्या होगा? क्या चिंता लग रही है? जोर से बोलो। सतयुग में कह रहा है सतयुग में कपड़े मकान आदि का प्राप्त होंगे। सतयुग में मकान कपड़े
और मकान कब प्राप्त होंगे? अच्छा, बेहद का मकान मिल जाए तो हद का मकान जरूरी है, बेहद के कपड़े मिल जाएं तो हद के कपड़े जरूरी हैं, है? है? सही है, फिर क्या बात है, छोड़। हाँ, दिखाए हैं किसने? दिखाए, दिखाने वाला कौन है? चित्रकार। तो चित्रकार जब चित्रकारी करेगा तो दिव्य गुणों के आभूषण कैसे दिखाएगा? है, दिव्य गुण तो अंदर की बात है, चित्रकार को बाहर चित्रित करना है तो कैसे चित्रण करेगा? कोई आपके पास दूसरा तरीका है? नहीं है। साक्षात्कार में ब्रह्मा में साक्षात्कार होने की आत्मा आती है ऊपर से, नीचे में दिखाया चैतन्य में कि आत्मा ऊपर से आती है तो सब वस्त्र आदि पहने ही नहीं है, वस्त्र आदि सब कुछ पहने ही दिखा दिया आत्मा को। हाँ, ऊपर से जब नई दुनिया बनेगी सतयुग, तो बीके वालों ने दिखाया है ऊपर से स्टार आया और नीचे आकर के वो कपड़े अकड़े सब दिखा दिए और वो देवी देवता बन गया। इसको अंधश्रद्धा कहेंगे या आप श्रद्धा भावना कहेंगे? अंधश्रद्धा की बात हो, क्यों यहाँ से बड़ी पब्लिक के बीच में उड़ा रहे हो? है, माने आपको क्लियर नहीं है ना, अभी विश्वास है ना उधर, अंधश्रद्धा की बातों पर विश्वास है तभी तो पूछ रहे हैं। हिस्टोरिकल प्लेस है। हिस्टोरिकल प्लेस है, आगे ये हिस्टोरिकल है, इनको हिस्टोरिकल नहीं कहेंगे, ये कृष्ण जन्मभूमि है, ये क्या नाम रामेश्वर मंदिर है, ये अयोध्या है, ये सारे ही हिस्टोरिकल नहीं है। क्या इनको पौराणिक कहेंगे? शास्त्रों के आधार पर मनुष्यों ने इनको बनाए दिया है, या बने बनाए प्राकृतिक रूप से स्थान मिले तो उनका नाम रख दिया, जैसे लंका और भारत के बीच में जो समंदर है, उस समंदर में जो ऊंचा ऊंचा स्थान है समंदर के अंदर, उन्होंने उसको पुल समझ लिया कि त्रेता में राम के समय में वो पुल था जो हजारों वर्ष के बाद टूट करके गिर गया, वो ऊंचा ऊंचा स्थान वहां बना हुआ है। नौकाएं लेकर के जब भारतवासी निकले तो उन समंदर के अंदर के टापुओं से नौकाएं टकराती हुई जा रही थी, तो दिमाग में ये बात आई शास्त्रों के आधार पर कि शास्त्रों में लिखा हुआ है कि लंका और भारत के बीच पुल बना हुआ था, किसने बनाया? राम ने बनाया था। तो ये जो टापू बने हुए हैं समंदर के अंदर, पानी के नीचे ऊंचा ऊंचा स्थान है, ये पुराना पुल है जो हजारों साल के बाद टूट गया। ऐसे ही द्रौपदी कुंड है कंपिल में, ऐसे नहीं कि द्वापर युग में कोई राजा द्रुपद ने यज्ञ रचा और स्वाहा किया और उसमें से द्रौपदी और धृष्टद्युम्न निकल पड़े, ये कोई हिस्ट्री नहीं है, ये पुराण पंथी के आधार पर प्राकृतिक रूप से जो स्थान बने हुए थे उनके नाम दे दिए।
नामकरण कर दिया, तो वो नाम अभी भी चल रहे हैं भक्ति मार्ग में, बाकी उनकी कोई हिस्ट्री नहीं मिल रही है, और कोई स्थान की 2500 साल की हिस्ट्री मिल रही हो तो कोई बताए। हिस्ट्री बात वो होती है जिसका प्रूफ और प्रमाण मिले, जैसे अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, उनके प्रूफ मिल रहे हैं, पुरानी चित्रकारी है, पुरानी पुरानी मूर्तियां बनी हुई हैं, सिंध और हड़प्पा की खुदाई हुई, उसमें पुरानी पुरानी जो मूर्तियां मिली हैं, चीजें मिली हैं, उनका आकलन किया गया तो पता चला कि ये 5000 वर्ष के अंदर की बनी हुई है, उससे पहले की नहीं है, उसको हिस्ट्री नहीं कहेंगे। तो क्या आप अभी तक उनको हिस्ट्री समझ करके शास्त्रों को ही सच्चा मानते चले आए? ऐसे नहीं है। हाँ, लौकिक दुनिया में भी देखा गया है, कोई भी बेटी अपने बाप का नाम उनका खाना चाहती है, यानी प्रत्यक्ष करना चाहती है। ऊपर खाने क्या किया? ऊपर खाने अपने बाप विश्रवा का नाम ऊंचा किया या गड्ढे में डाल दिया? हाँ जी, ज्यादा ज्यादातर बेटियां ऐसी होती है जो अपने बाप का नाम और अपने पति का नाम, पति के परिवार वालों का नाम, हाँ, बाला करती है। अन्याय माताएं मोस्टली ऐसी होती है, लेकिन कोई कोई होती है सुपर खा पुतना जो अपने माँ बाप का नाम बदनाम कर देती है। बाबा माया भी बाप की बेटी है, बिल्कुल ये ऐसा क्यों है? अरे जो दुनिया में है तो बाप के पास है, दुनिया निकल दुनिया आई कहाँ से? अरे बाप से ही तो दुनिया आई। सारी मनुष्य शक्ति का बाप है या नहीं है? जब सारी मनुष्य शक्ति का बाप है तो बाप के बच्चे भी हैं। बाप के बच्चों में ज्यादातर ऐसे बच्चियां हैं जो बाप का नाम बाला करने वाली है। ऐसी भी बच्चियां हैं जो अपने भी नाक कान कटवाती हैं और माँ पिता के भी नाम बदनाम कराती है। बच्चे भी ऐसे ही ये इतने बैठे हुए हैं, संगठित हुए बैठे हैं, बिना प्योरिटी के यूनिटी होती है क्या? तो ये प्योरिटी तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रही? और ये तो इतने थोड़े से बैठे हुए ऑल इंडिया में, तो पता नहीं जाने कितने, ये तो दिल्ली दिल्ली के बैठे हुए। तो इतना बड़ा संगठन, इतनी बड़ी यूनिटी जिसका आधार है प्योरिटी, वो तुम्हारी तीसरे नेत्र से दिखाई नहीं पड़ती है? दिखाई पड़ती है, माने इन आंखों से दिखाई पड़ेगी, जो विनाशी आंखें हैं इनसे दिखाई पड़ेगी, तो क्या कुछ ज्यादा प्राप्ति हो जाएगी? हैं? नहीं? हाँ? माने क्या एन माने? नया एस माने संगठन, जो नई दुनिया का फाउंडेशन लगाने के लिए नए संगठन की शुरुआत हुई, उसका नाम एन। बाबा अयोध्या में जो मंदिर बनवाया है, राम मंदिर है, वो मंदिर किसने बनाया? भक्ति मार्ग वाले भक्तों। बाबा
जो निश्चय पत्र लिखा गया है आज तक के, तो अभी निश्चय पत्र लिखा गया है भर्ती करते वक्त माता पिता जगत माता जगत पिता के नाम से, तो उनको आज तक के जगत माता को जब मानते गए, मगर अटेंडेंस रजिस्टर पे जो अभी माँ और बाबा जो लिखा जाता है, हाँ। तो बाबा ने एक वार्तालाप में अभी कहा है कि माँ किसे कहते हो, अभी तक के किसी किसी बच्चे को क्यों पता नहीं है, हाँ। तो अभी ये माँ का पार्ट, तो माँ के बारे में जैसे अष्टादेव का सूर्यवंशी सूर्यवंशी में से अष्टादेव का सेकंड मन का जो है उसी को आधार मान करके समझ कर वो जगदम्बा है, उसे जगदम्बा कहेंगे, जगदम्बा तो वो माँ जगदम्बा माने सारे कुटुंब परिवार को पालना दे, तो बाबा कहते हैं जैसे ब्रह्मा कुमारियां उनकी संख्या ज्यादा है बेसिक वालों की, जो बेसिक पढ़ाई पढ़ते हैं उन बच्चों की संख्या ज्यादा होती है, या बीए में पढ़ते हैं उनकी संख्या ज्यादा होती है, है? बेसिक वालों की संख्या गाँव में संख्या होती है, गाँव गाँव में चाहे शहर में दुनिया में हर जगह फैले होंगे, तो वो है ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां, वो जो ज्ञान सुनाती है ज्ञान के नाम पर ग्लानी है, यह ज्ञान है ग्लानी है, यहां कोई ऐसा बैठा हो कि नहीं वो ज्ञान भी सुनाती है तो हाथ उठा के बताए, हो नहीं अज्ञान ज्ञानी ही सुनाती है ना, तो वो है ब्रह्मा कुमारियां, उनके गीता का भगवान कौन है, ब्रह्मा ज्ञान चंद्रमा, तो अगर एडवांस है ये दुनिया विष्णु पाटलों की दुनिया, तो यहां भी तो कोई ये कहे कि आत्मा होनी चाहिए ब्रह्मा कुमारियों की बीज रूप, जिसकी बुद्धि में गीता का भगवान ब्रह्मा ही बैठा हो, क्या कोई होगा, हाँ कौन है जी, वो नहीं मानती कि गीता का भगवान शिवशंकर भोलेनाथ है, तो ब्रह्मा कुमारियां इतना अज्ञान रूपी ज्ञानी फैला रही है संसार में, उनको ये पता ही नहीं है कि हमारी भी कोई अम्मा है, अगर उनकी भी कोई अम्मा है तो ज्ञानी सुना करके उल्टा बिना तो नहीं करेगी, करेगी या नहीं करेगी, और उनके पाले हुए समझाए हुए यज्ञ के आज से लेकर के अब तक भी जितने बच्चे हैं जो ब्रह्मा की गोद में पलते रहे और ब्रह्मा की ही जान लेते रहे, उनका विनाश होगा या उनके द्वारा एक स्थापना होगी, तो उस विनाश के निमित्त मूल एक कौन होगा, योगिनी माँ का आदर्श सामने रखने के लिए मुरली में कहा है, तो जब वो साकार में सामने ही नहीं है तो उनका आदर्श सामने कैसे रखें, हम ब्रह्मा कुमारियों के सामने आ गई, इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां दुनिया में, ब्रह्मा तो है कि नहीं, तो उसका आदर प्रतिनिधित्व तो बढ़ते ही नहीं होगी अपने सामने, आप तो अपनी बात काट दी, ये मेरा नहीं है आदर, ये मेरा नहीं है, जिसका है मैं उसका ब्रह्मा बाबा हूँ, मेरे मुख का रोल लिया है वो, शिव भी बाबा और ब्रह्मा बाबा, तो शंकर बाबा क्यों नहीं है, वो बाबा नहीं है, उसने बोला ब्रह्मा को बाबा इस
इसलिए कहते थे क्योंकि बूढ़ा था, क्या बूढ़ा होने के कारण उनको बाबा कहा जाता था। और शंकरन जब से प्रत्यक्षता होती है, शंकर पार्टी कहो या शंकर कहो, तो बूढ़ा होता है उस समय, बूढ़ा नहीं। और शिव बाबा ने कहा मैं तो कभी बूढ़ा होता नहीं, माने नौजवान होता है। हाँ जी, भक्ति मार्ग में दिखाया है कि शंकर जब चाहे तब बूढ़ा हो जाता है, जब चाहे तब नौजवान हो जाता है, जब चाहे तो बच्चा बन जाता है। चित्रों में शंकर को पट पड़े हुए छोटे बच्चे के रूप में दिखाया कि नहीं, छोटा बच्चा भी हो जाता है। तो वो बहुरूपिया है, नाटकवाद है, कर्नाटक जो भी, लेकिन वास्तव में ब्रह्मा के लिए बाबा बोला है, क्योंकि वो बाबा बन के बैठ जाता है। क्या बन के बैठ जाता है? कि वो हम कृष्ण की आत्मा अपन को शिव समझ लेती है और घोषित कर देती है या नहीं घोषित करती है, घोषित करती। तो जब अपन को शिव घोषित करेंगे तो बाबा नहीं है। अरे साकार बाबा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। बाकी शिव बाबा के तीन बच्चे हैं पहलौटी के, ब्रह्मा विष्णु और शंकर। ये तीन बच्चे तो हैं, लेकिन तीनों बच्चों में छोटे बड़े हैं, ये एक जैसे छोटे बड़े। ब्रह्मा बाबा है क्योंकि बूढ़ा था, विष्णु क्या क्या है और शंकर ताऊ। और हाँ राजू जी ने आपके बाबा खाना चाहिए, साकार मुरली में आता है बाबा की याद में खाया, बाबा की याद में भोजन खाया, बाबा की याद में बनाया, तो ब्रह्मा भोजन नहीं है। वो तो भक्ति मार्ग था, अभी भी भक्ति मार्ग। अभी क्या हो गए ज्ञान मार्ग समझते हैं आप? उसे ज्ञान मार्ग समझते हैं क्या? ज्ञान मार्ग तो ये है, पीछे बैठना है, पीछे जाना है, ज्ञान मार्ग तो ये है कि बाबा की याद में बनाओ और बाबा की याद में खाओ, ये है ज्ञान। बनाएंगे तो भी सुख नहीं आएगी और खाएंगे तो भी सुख नहीं आएगी। कमर में क्या? सींग। सींग नहीं है, बाजा है उनका। क्या? वो देखने में सींग आता है लेकिन उसको बाजे के रूप में उन्होंने रखा हुआ है। वो जो ज्ञान बोलते हैं ना, वो ज्ञान भी एक तरह का सिंह का काम करता है। जानवर क्या करता है? किसी को मारेगा तो कैसे मारेगा? सिंह से मारेगा। और उनका सिंह भी बाजा है क्या? हाँ।